दोस्तों कुछ बच्चों ने कमेंट करके पूछा है कि सर एनसी तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन एनसी क्लियर वाले कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं, जैसे कि टेट एग्जाम्स दे सकते हैं, या कोई जो अभी हमारी भर्ती है 7th फेज की भर्ती, उसमें जा सकते हैं या कहाँ पे जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट जवाब यह है कि जो भी किसी भी बाकी स्टूडेंट के लिए जो भी वैलिडिटी है, जो भी एलिजिबिलिटी है, सेम चीज एनसी क्लियर वाले कैंडिडेट के लिए भी रहेगी। मतलब कि जिस मोमेंट पर आपका एनसी क्लियर हुआ, ठीक उसी मोमेंट पर आप उसी श्रेणी में आ गए जिस श्रेणी में कोई भी पास कैंडिडेट आते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि आपकी एलिजिबिलिटी, आप भाई कई लोग पूछते हैं सर हम सीटेट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन सीटेट में जैसे सीटेट की एलिजिबिलिटी है तो उसमें काफी सारी चीजें मांगता है। अगर आप 12th बेसिस पे दे रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे दे रहे हैं, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं, अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं, तो बाकी एलिजिबिलिटी तो आपकी अपनी होगी। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करें कि डीएलएड, डीएलएड जहां पर भी मांग रहा है और आपका एनसी क्लियर हो गया है तो आप उसमें अब वैलिड हैं, है ना। बहुत सारे स्टेट में जैसे कि एनआईएस की वैलिडिटी को लेकर कई कंफ्यूजन भी है, तो जो कंफ्यूजन बाकी बच्चों के साथ है या जो क्लियरेंस अभी बाकी, जैसे कि यूपी में अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है और भी अलग अलग स्टेट में अभी थोड़ा बहुत डिस्कशन चल रही है, एक दो स्टेट का बिहार सबका पूरा क्लियर हो गया है, तो जो वैलिडिटी बाकी बच्चों के लिए है या जो स्थिति बाकी बच्चों की है, सेम स्थिति अब एनसी वाले बच्चे की भी रहेगी। अगर बाकी बच्चों का क्लियर है तो एनसी वाले बच्चों का भी वहां पे क्लियर माना जाएगा। आप समझ रहे बात, मैं यहां पर क्लियर ये बात आपको बताना चाहता हूं कि एनसी क्लियर होने के बाद आप ठीक उसी श्रेणी में आ गए जिस श्रेणी में बाकी कोई एनआईएस से पास बच्चे थे। तो अभी तक आप पास की श्रेणी में नहीं थे, अब आप पास की श्रेणी में हैं। अब पास की श्रेणी में जो हैं वो जहां जहां पर वैलिड हैं, वो जो जो चीज दे सकते हैं वो चीज आप लोग भी अब दे सकते हैं, ठीक है। या जिन चीजों पर अभी भी मतभेद है पास डीएलएड एनआईएस पास बच्चों के लिए, उन चीजों पर मतभेद आपके लिए भी रहे, और जहां जहां पे क्लियर है वो रहेगा। मैं स्पेशली आपको ये बता सकता हूं कि सीटेट एग्जाम आप सभी लोग भर सकते हैं, आराम से भरिए। आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर मार्कशीट तो अभी आई नहीं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन बेसिस पे आप सीटेट एग्जाम बिल्कुल भर सकते हैं, और सीटेट की आप जो है उस बेसिस पर आप अपना, अगर बाकी की जो एलिजिबिलिटी है वो आपका फुलफिल कर रहा है तो बाकी की आप प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन मत रखिए। मैं फिर से लास्ट एक समराइज लाइन कर देता हूं कि एनसी क्लियर होने के बाद सारे बच्चे ठीक उसी तरीके से किसी भी एग्जाम में वैलिड होंगे जैसे कि कोई भी एनआईएस से पहले से जो डीएलएड पास बच्चे थे वो वैलिड थे, ठीक है। तो यही यहां पर आपको क्लियरेंस दिमाग में रखना है, मतलब आप में और जो पहले से डीएलएड पास स्टूडेंट थे उसमें कोई फर्क नहीं है। जहां पर जिस प्रकार की वैधता रखी गई है बाकी बच्चों के लिए, वैसे ही वैधता अब आपकी भी रहेगी। तो आप लोग बेफिक्र होकर, ठीक है, सीटेट के लिए मैं आपको क्लियर बोल दिया हूं, नियोजन में आप लोग भर ही सकते हैं, अब जो बिहार की बात करते हैं वहां पर भर ही सकते हैं, और आप अलग अलग स्टेट में डिस्कशन चल रहा है उस पर हम आपको सेपरेट वीडियो बना के बताते रहेंगे। कई जगह पे अभी क्लियरेंस नहीं हुआ है, कई जगह पे डिस्कशन चल रही है, तो उसका जो भी अपडेट होगा वो अलग चीज है, लेकिन जो बाकी लोगों के एनआईएस के बच्चों के लिए होगा सेम एनसी वाले बच्चों के लिए भी होगा, ये बात मैं यहां पे कहना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। आगे के अपडेट्स के साथ हम आपके बीच बने रहेंगे। मुझे पता है बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की है, और जिस वीडियो में जो पार्ट हम ले रहे हैं उसी पार्ट को आपको क्लियर कर रहे हैं। और जैसे कि अभी आप बहुत लोग पूछ सकते हैं सर यूपी टेट में क्लियर बताइए कि वैलिड है कि नहीं है, तो जिस चीज पर अभी एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं है या जिस चीज पर एग्जैक्ट नोटिस नहीं है, उस चीज पर अभी हम डायरेक्ट किसी कोई चीज आपको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं कि अब आप उसी श्रेणी में हैं जिस श्रेणी में बाकी बच्चे हैं, ठीक है। बाकी आगे की अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा जैसा कि अभी तक देता आया हूं। आप लोग जरूर चैनल को फॉलो करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद।